दोस्तों कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच तो सबने देखा होगा। हालांकि मैच में जो रोमांस था वह कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। मैच खत्म होने के बाद ही उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच पहले से ही फिक्स था। कल इंडियन टीम जीतने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो खुद भी चाहती थी हार जाना। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हार गई। और हार के बाद ही दुनिया भर के जो लेजेंड हैं, जो अपने आप को क्रिकेट में एक्सपर्ट मानते हैं, उन्होंने टीम इंडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों को तो कहना है कि कल टीम इंडिया जानबूझकर हारी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि मैच फिक्स होने की वजह से कल टीम इंडिया को हारना तो था ही। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके अलावा कुछ अच्छा भी हुआ, जैसे कि कल विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के महिला जयवर्धने के नाम पर था, और इस कल के मैच के बाद ये रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम पर भी हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो बड़े बड़े लेजेंड हैं उनके अलावा रोहित शर्मा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कल, और उन्होंने बताया कि कल हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, हमने खुद ही बेकार खेला। हालांकि हमें चाहिए था कि थोड़ा और कंसिस्टेंट होते और रन थोड़ा ज़्यादा बनाते। उन्होंने इस बात से इनकार तो नहीं किया कि उन्होंने भी खराब खेला। उनका मानना ये है कि कल उन्होंने भी कुछ रन कम बनाए, जिनमें उनकी खुद की भी कुछ गलतियाँ थी। लेकिन इसके अलावा शोएब अख्तर, कपिल देव ने भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए वो जान लेते हैं कि शोएब अख्तर ने क्या कहा। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया ने कल साउथ अफ्रीका से मैच हार कर मानो हमें मरवा ही दिया है। हालांकि इसमें इंडिया की अपनी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने खेला ही बुरा है। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियां किसी और टीम पर डाल देते हैं तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनसे हमें कोई फ़ायदा होगा। हमें खुद ही क्वालिटी क्रिकेट खेलनी होगी। लेकिन इस बात से यह साफ है कि साउथ अफ्रीका की अच्छी बॉलिंग को देखकर ये तो समझ में आ गया कि अच्छी बॉलिंग हो तो किसी भी टीम की हालत खराब हो जाती है। आपने सुन लिया शोएब अख्तर का स्टेटमेंट जो है वो कुछ लोगों को पसंद भले ना आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोएब अख्तर, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो अपने देश की भलाई के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे लेजेंड है जैसे कि कपिल देव, उन्होंने भी कल एक बड़ा बयान दिया था, और वो था ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को लेकर। चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कल के मैच में हार मिलने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि आज हमें ऋषभ पंत की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे हालात हैं ऐसे में अगर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि इसके ऊपर उन्होंने दिनेश कार्तिक को कहा कि हो सकता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन बिना लेफ्ट हैंड बैट्समैन की टीम कम्प्लीट ही नहीं लगती। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट सुनकर कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ बुरा भी लगा होगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब हमारे ओपनर्स जैसे KL राहुल, ऋषभ पंत, ये लगातार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत को लाया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि KL राहुल को ही कुछ मैच के लिए बैठा देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो लगभग सवाल के घेरे में है, क्योंकि वो ना ही रन बना रहे हैं और ना ही उनकी एक लंबे समय से कोई अच्छी पारी देखने को मिली है। ऐसे में अगर KL राहुल को रिप्लेस करके किसी और प्लेयर को मौका मिलता है, भले ही वो ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि कल का मैच फिक्स होने की वजह से न ही रोहित शर्मा से अच्छी फील्डिंग हुई, न ही विराट कोहली से, और ख़ास तौर पर विराट कोहली की जो वो कैच मिस हुई थी उसको लेकर तो दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि उन्होंने इससे पहले इतनी घटिया फील्डिंग विराट कोहली से तो कभी देखी नहीं थी, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि जैसे रोहित शर्मा ने रन आउट मिस किया, विराट कोहली ने कैच छोड़ा, पांड्या जो इतने अच्छे फील्डर भी हैं, बैट्समैन भी है, उन्होंने भी कैच को ड्रॉप किया, ये सब देखते हुए पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं कल पहली बार काफ़ी दुखी दिखे, क्योंकि वह कल इंडिया को पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि उनकी दुआ उतनी अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि कल टीम इंडिया हार गई, और टीम इंडिया के हारते ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आने का जो सपना था वो लगभग लगभग एकदम ख़त्म हो चुका है, ना ही मान सकते हैं, क्योंकि अब अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, वरना मान के चलिए कि सेमीफाइनल से पाकिस्तान का जो रास्ता है वह कट गया है। आप क्या मानते हैं दोस्तों कि कल का जो मैच था क्या वो फिक्स था? क्या टीम इंडिया कल जीतने के लिए नहीं आई थी बल्कि हारने के लिए उतर ही थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कल का जो मैच था वह मज़ेदार बहुत था, भले ही गलतियाँ कितनी भी हुई हों, मैच का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, मज़ा पूरा आया था।